किंचित्
यस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम् अभेदबुद्धिः स्यात् कथम् अभेदबुद्धिः स्यात् उभयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् उभयोः विरुद्ध धर्मा आक्रांतत्वात् इति चेत् न स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तम् समाधि दशा संपन्नम् शुद्ध चैतन्यम् त्वं पदलक्ष्यार्थः एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यम् शुद्धचैतन्यम् तत्पदलक्ष्यार्थः एवञ्च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण अभेदे बाधकाभावः एवञ्च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण अभेदे बाधकाभावः अधिकारी प्रकरण तत्व विवेक प्रकार प्रकरण और सृष्टि प्रकरण के पश्चात अब जीव ईश्वर के भेद के संबंध में जीव ईश्वर के संबंध के संबंध में ये प्रकरण आरंभ होता है। सृष्टि प्रकरण के अंत अंत में भगवान भाष्यकार ने ये बात कही कि पिंड और ब्रह्मांड की भी एक प्रकार की एकता है। वो एकता कैसी है
तो औपाधिक उसका नाम है औपाधिक। उसका दृष्टांत क्या है? जैसे अंग की एकता अंगी से होती है, दोनों में भेद भी है और दोनों में अभेद भी है। इस प्रकार का एक संबंध का उल्लेख भगवान भाष्यकार ने सृष्टि प्रकरण का उपसंहार करते हुए किया। अब उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं कि यह जो एकता अभी बताई औपाधिक एकता, तो एक बिल्कुल तात्विक एकता भी है। बोले महाराज, ये जो संबंध का निर्वचन हो रहा है, एकत्व का प्रतिपादन हो रहा है, वो किसके किसके बीच में है? पिंड ब्रह्मांड के बीच में? बोले नहीं, ये जीव और ईश्वर के बीच में है। पहले क्या बोला गया था? पिंड ब्रह्मांडयोहो ऐक्यम संभूतम्। पिंड और ब्रह्मांड के बीच में एकता सिद्ध हो गई। लेकिन अब जो प्रकरण उठाया है वो पिंडाभिमानी और ब्रह्मांडाभिमानी के बीच का संबंध उठाया। भौतिक दृष्टि तो यही है कि एक पिंड है और वो ब्रह्मांड के भीतर है, ब्रह्मांड से ही पोषित होता है, ब्रह्मांड का ही अंग है, ब्रह्मांड के लिए है, ब्रह्मांड से जीवित है। यह जो शरीर है वो पंच महाभूतों के बिना रह नहीं सकता, उसी से है, उसी में है, उसी को उसी से पुष्ट होता है और फिर उसी के लिए है। ये तो बिल्कुल भौतिक बात हो गई। लेकिन फिर इस पिंड के पीछे जो पिंड का अभिमानी बैठा है वो कौन है? बोले वो तो मैं हूं। अभी क्या बात थी? पिंड और ब्रह्मांड की बात थी, अब अभिमानी की बात उठाते हैं। पिंड का अभिमानी कौन है? बोले वो तो मैं ही हूं। और ब्रह्मांड का अभिमानी कौन है? तो बोले जो भी है उसका उसका नाम है ईश्वर, उसी को प्रभु बोलते हैं, उसी को ईश्वर बोलते हैं। तो पिंड बिना ब्रह्मांड के नहीं रह सकता, वो उसका अंग है। लेकिन ये जो अभिमानी है, पिंडाभिमानी, उसका ईश्वर के साथ क्या संबंध है? बोलते हैं इस संबंध को ठीक से समझने के लिए पहले पिंडाभिमानी के बारे में थोड़ा जान लें। पिंडाभिमानी एक शब्द है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके और जानें, ये मैं का शोधन करें। यहां दो लक्षण दिया आपने, पढ़ा इसको, स्थूल शरीराभिमानी जीव नामात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। जीव नामात्मकम, जीव नाम का, तो अभिमानी का एक नाम दिया। क्या नाम दिया? कि जीव है। इसके पहले जीव शब्द का उच्चारण आपको मिला नहीं था? मिला था।
तत्व बोध में नहीं मिला। आत्मा भी सुना आपने, ब्रह्म भी शब्द सुना आपने, सत्य भी शब्द सुना है ना, तीनों शरीर तीनों अवस्था पंच कोश ये सब सुना, लेकिन जीव शब्द अब आता है। जीव नाम आत्मकम, जीव नाम का एक कोई है, कौन है वो? बोले यही स्थूल शरीराभिमानी, माने पिंडाभिमानी, स्थूल शरीर का जो अभिमानी है, अभिमानी है माने स्थूल शरीर के अनुसार अपने को पहचानता है, स्थूल शरीर के धर्मों के रूप में अपने को अनुभव करता है, जैसे मैं मनुष्य हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, गौर हूँ, श्याम हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जिसने स्थूल शरीर को मैं बनाया, उसी के अनुसार अपने को जाना, अपने को पहचाना, अपने को महसूस किया, स्थूल शरीर के साथ एक रूप हो गया, ऐसा अभिमान हो गया कि एक रूपता हो गई, जैसे धन के साथ एक रूपता हो जाए तो धन के बढ़ने से व्यक्ति अपने में वृद्धि का अनुभव करता है, घट जाने से कहीं कहीं नाश का अनुभव करता है। ऐसे ही तो हम लोगों की स्थिति है कि स्थूल शरीर को चमकाया है ना, तो लगता है मैं ही चमक गया। स्थूल शरीर आपके संयम से भजन से चमके तो स्वागत है उसका, लेकिन फिर फैशन परस्त हो कि आत्मविद्या मत करो तो है ना, पता चला कि फैशन परस्ती मन में घुसी पड़ी है तो फिर तो तत्वानुसंधान क्या होगा, फिर वो नहीं चाहिए। वो होता क्यों है? क्योंकि अभिमान बहुत दृढ़ है और उसको दृढ़ भी करना चाहते हैं और दृढ़ करना चाहते हैं। स्थूल शरीराभिमानी एक लक्षण ये किया, दूसरा ब्रह्म प्रतिबिंबम जीवनात्मकम सैव जीव, यह जो जीव है प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से अनादि काल से अपने को ईश्वर से भिन्न जानता है, भिन्नत्वेन जानाति। क्यों भिन्नत्वेन जानता है? क्योंकि अपने में कहीं कहीं वो कमजोरी पाता है। जब पिंड का अभिमान होगा, स्थूल शरीर का अभिमान होगा, तो उस स्थिति में मुझको बाहर से सुरक्षा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उस समय मैं रक्षणीय हूं तो मेरा कोई रक्षक होना चाहिए। बोले नहीं, आप ही आप हो, वो तो संतुष्ट कभी नहीं करेगा। आप ही आप हो माने फिर मैं तो कहीं न कहीं वल्नरेबल हूं, मैं तो कहीं न कहीं कमजोर सा प्राणी हूं, और आपने मदद करने वाले का क्या किया? मदद करने वाले का निषेध कर दिया। अनिश्वरवाद क्या है? मदद करने वाले का निषेध। अच्छा, और मदद की जिसको आवश्यकता है वो है
मदद की जिसको आवश्यकता है वो बच गया और मदद करने वाले को आपने उड़ा दिया, अब मरो। चलिए, ये अनिश्वरवाद तो यही है कि भोजन हटा दिया जाए और भूख वाला जो है वो रह जाए। अनिश्वरवाद तो मारने वाली विद्या है महाराज। जब मुझ में रक्षणीयता भासती है कि मुझे तो बहुत सारी चीजें चाहिए, हम थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते हैं, लेकिन ऐसे प्रसंग जीवन में आते ही रहते हैं जहां पर हमारे साधन हमको पर्याप्त नहीं मालूम पड़ते। हमारा प्रयास हमको पर्याप्त नहीं मालूम पड़ता, तब क्या आवश्यकता तो है, साधन अपर्याप्त है, ऐसी दशा में क्या हमारे लिए सहारा, क्या मुझे सहारा देने वाला है ही नहीं, फिर तो बहुत ही गड़बड़ है। सहारा देने वाला उस समय चाहिए और है भी, लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तो प्रकृत्या स्वस्मात् भिन्नत्, प्रकृत्या का मतलब क्या है, स्वाभाविक रूप से मददगार को मदद चाहने वाला क्या समझेगा, अपने से भिन्न समझेगा। आप मदद चाहने वाले हो, प्रभु मददगार हैं, एकत्व की बात तो ख्वाब में नहीं आ सकती। इसको बोलते हैं प्रकृत्या, ऐसी स्थिति में हो जहां पर संबंध में भिन्नता ही हृदय को संतुष्ट करती है। एक व्यक्ति गिर पड़ा तो जरूर चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मुझको उठावे, बोले और कोई है ही नहीं, आप खुद ही उठो, ये तो बड़ी निराशा की स्थिति है। तो उठाने वाला गिरे हुए से भिन्न होना चाहिए, सिंपल बात है। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति सैव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। बहुत बड़ा वाक्य है, गंभीर वाक्य है, ये ध्यान रखना, ये किसी का ये निंदा वाक्य नहीं है, ये एक स्थिति विशेष का सच है, एक स्तर का सच है। अब इसमें एक शब्द पर मैं आपका ध्यान दिला देता हूं, वो तो गंभीर हो जाती है बातें, क्या करें। क्या बोलते हैं, जीवनात्मकम जीवनामात्मकम, ये जो जीव है ये क्या है, बोले जानाति, शब्द क्या लिखा, जानाति, जानता है किसको, ना द्वितीय विभक्ति में कौन है, ईश्वरम। केवल इतना पढ़े तो कैसा वाक्य बनेगा, जीव ईश्वरम जानाति, ये आपके बारे में कहा जा रहा है, आपके बारे में भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि आप सभी जीव लोग ईश्वर को जानते हो
अब सरल भी हम ईश्वर को जानते हैं। बोले भगवान तो यही बोल रहे हैं, वो गलत हो नहीं सकता। आपके बारे में इतनी शोभन टिप्पणी की गई है, ध्यान तो दो कि जीव नामात्मकम ब्रह्म प्रति सैव जीव, यह जो जीव है सैव जीव जानाति, मन्यते नहीं लिखा, अनुमानम करोति, न जानाति ऐसा नहीं लिखा। ऐसे बोल देते हैं, कितनी बड़ी बात। सैव जीव जानाति, किम जानाति, किम जानाति, ईश्वरम जानाति। आपसे पूछा जाए कोने में ले जाके, क्यों महाराज, भाष्यकार ने तो लिखा है आप जानते हो ईश्वर को। बोले मुझे मालूम नहीं। मुझे क्या मालूम नहीं, भाष्यकार गलत हो सकते हैं, डंडा हाथ में लेके पूछना चाहिए, बताने वाले को बोलना ही पड़े कि हाँ ठीक है। मुझे लगता है हम लोगों के बारे में भाष्यकार का मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा हो गया। उन्होंने हम सबको ही कह दिया सब ईश्वर के जानकार लोग बैठे हैं। ओहो, जाना थी, केवल कमी है उस ज्ञान में तो इतना है कि भिन्नत्व न जाना थी, अन्यथा तो जाना थी। ये बड़ी टिप्पणी है। बोले महाराज जानाती है वह, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं प्रभु को जानता हूं। बोले जानते हो आप जनाब, जब आपके साधन अपर्याप्त होते हैं और आवश्यकता मुंह बाएं खड़ी रहती है, उस समय जब आपके जीवन में अज्ञात स्रोत से सहायता उतरती है, हैं? तो चाहे उसको आप अज्ञात कहो, चाहे उसको आप अदृष्ट कहो, चाहे उसको आप संयोग कहो, हाँ जी, चाहे उसको आप बाई चांस करो, चाहे आप उसको माने आप नाम चाहे जो मर्जी दो, लेकिन अपने और जगत के अलावा किसी एक ऐसी चीज को आप उस समय जानते हो, मानते हो कि जो मदद कर सकता है, जहां से मदद आई और आपकी आवश्यकता के अनुसार आई। दुनिया में ये बात तो जांचनी चाहिए, पहले अपने में जांचनी चाहिए कि क्या मेरा जीवन केवल मेरे और जगत से चल जाता है क्या। दो ही तो चीज है, मैं हूं और मेरे सामने एक जगत है। तो मैं अप्रोक्ष हूं, जगत प्रत्यक्ष है। तीसरी चीज को मानते मानने की जरूरत क्या, उसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं दिखता। फिर ये ईश्वर के बारे में चर्चा क्यों होती है, चाहे नास्तिक हो तो भी चर्चा करेगा, आस्तिक हो तो भी चर्चा करेगा, ये तीसरा कहां से आया भाई। न वो प्रत्यक्ष है, न वो अपरोक्ष है, फिर ये कहां से चर्चा का विषय क्यों बनता है वो। क्योंकि महाराज जगत के साथ व्यवहार करते समय जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब हमको लगता है कि किसी अदृष्ट का बीच बीच में हस्तक्षेप हो रहा है, उस एक और किसी की भूमिका लगती है।
जब हजार बार कोई कार्यक्रम बनाने के बाद वो नहीं हो पाता या बिना कार्यक्रम बनाए कुछ हो जाता है, तो जिसका नहीं हो पाता है वो बोलता है मैन प्रपोजेस ये, सडनली उसको गॉड आता है। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करी, फ्लॉलेस योजना बनाई, अपने रिसोर्सेस के हिसाब से बनाई, सब कुछ किया, एंड देन सडनली एक कोई एलिमेंट बीच में आया और बस हरिओम तत्सत। वो कहता है ये क्या चीज है, बीच में हमने तो खूब सोचा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सारी प्लानिंग करने के बाद फिर पिटाई हो गई। एक कमजोर व्यक्ति बेचारा, उसके पास आवश्यकता तो है, कार्यक्रम कहां से बनावे, साधन ही ना हो तो। ध्यान रखना, साधन के बिना योजना नहीं बनती, नियम है ये, प्रभु की कृपा है। साधन होना तब बुद्धि में खुराफात बहुत जगती है, ये प्लान है, वो प्लान है, ऑफ ऑफ। बोले मैं अपना घर नहीं, ये पुराना हो गया, इसको थोड़ा बदलना चाहता हूं। गुरुदेव कहते थे जब कोई ऐसा बोलता था तो मैं जानता था कि इसका पर्स भारी हो गया। ही हैज नाउ हैवी पर्स, इसलिए सडनली इसका कमरा पुराना हो गया, गाड़ी छोटी हो गई सडनली। पहले तो साधन के बिना, आप अपने भीतर देख के अनुभव करके देख लेना, जब साधन नहीं होगा योजना के लिए कोई बुद्धि चलेगी नहीं। ठीक है, जब साधन होता है तब मुझे विशेष जी कहते हैं कि आयरन, क्या इलेक्ट्रिकल आयरन चाहिए। हाँ, साधन होता है तब, साधन जिसके पास नहीं हो तो है वो फुरफुराती है बुद्धि। काम है ब्रह्मचारी का तो अब ये सब फुरफुराएंगे। साधन हो, योजना बनाई हमने, फ्लॉलेस बनाई, फिर क्या पता चला वो फेल हो गया, तो हमें लगता है कि परमात्मा जो है वो डिस्पोजिंग ऑफिसर है, केवल डिस्पोज करता रहता है। गॉड डिस्पोजेस बोलते हैं। गरीब आदमी का बन जाए तो वो क्या बोलेगा, बिगड़ी बनाने वाला। हाँ, वो नहीं कहता हम डिस्पोजिंग करता है, वो क्या बोलता है, बिगड़ी बनाने वाला, वो बिगड़ी चीज को बना देता है। ये देखो, तुम हो गरीब निवाज, उसने नहीं कहा कि गॉड डिस्पोजेस। वो कहता है सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। आखिर ये भी उद्गार है, पूछा जाए कि तुम देखा है, बोले नहीं ऐसा लगता है, सुना है मैंने ऐसा। जीवन में अगर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा क्या जबरदस्ती भी पता चलता रहता है कि नहीं, मेरे और जगत के अलावा एक अदृष्ट नाम की कोई चीज है, और वो कैसी चीज है, ही हैज द इंटेलिजेंस, उसमें विचार क्षमता है, वो हमको पहचानती है, हमको जानती है, हमारी जरूरत को जानती है। बोलो, जड़ात्मक नहीं है, यही मतलब हुआ ना, जड़ात्मक नहीं है, हमको जानती है, हमारी जरूरत को जानती है, हमारे साधनों को जानती है, जरूरत के समय को जानती है। हाँ,
हमारे एक मित्र हैं चंडीगढ़ में, प्रिंसिपल थे कि समझ लो आप, इसको नोट में न ले आना, पता चला रिकॉर्ड हो गई इसकी कि ईश्वर की चर्चा दिल से होनी चाहिए। भगवान भाष्यकार ने आपको कह दिया जाना थी, तो अब वो कभी किसी जमाने में कोई कारखाना बनाने की कोशिश करी थी और बुरी तरह से फेल हो गए थे, और तब से वो कबाड़ की तरह चीजें पड़ी हुई थी, कोई लेता भी नहीं था। कई बार कोशिश करी, ऐड दिया, भूल भी गए थे कि हमारे पास ऐसा कुछ है। अच्छा, बड़े लड़के की शादी तय हुई। अब घर के लोग और प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, तो लोगों को मालूम नहीं उनके रिसोर्सेज, अब वो तो बहुत पक्के आदमी हैं। बोले ये उत्सव मनाया जाएगा, वो होगा, ये बाजे बजेंगे, ये पार्टी होगी, और यहाँ जेब में मुझे कहने लगे, मेरी जेब में तो बहुत ही कम पैसे थे, क्या कुछ 30-25 हजार रुपए थे, शादी करनी थी इतनी बड़ी, जो लोग घर में प्रपोज कर रहे थे। बोले कैसे होगा ये, किसको मना करूं। जब तय वय हो गया, उस समय कोई आया उनके यहाँ, बोले वो आपका कारखाना पड़ा है, वो हम लेना चाहते हैं। सडनली इनके कान खड़े हुए, बोले अरे मैं कितनी बार कोशिश किया, कोई लेने ही नहीं आया, और उसने अच्छा खासा पैसा दिया, और बोले यही कारखाना चाहिए, बस बिक गया। और धूमधाम से शादी हो गई। जब मैं गया तो रोने लगे, बोले कल्पनातीत स्रोत से कोई व्यवस्था होती है। अब इसको मूर्खता है पूरी 100% आदमी की, कि वो जब वो कहे हाँ जी कि मैं हूं और मेरी दुनिया है, तू और तेरी दुनिया के बीच में एक और है कोई, और वो ऐसा है जो जानकार है, जड़ नहीं है, पत्थर पहाड़ नहीं है। नहीं देखो, आप अपना जीवन देखो, यहां पहुंचने का पूरा विवरण देखो जरा, तब समझ में आ जाएगा, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां तक पहुंचने में, जहां तक मैं समझता हूं, हर विद्यार्थी को अनुभव हुआ होगा कि हाँ जी सब कुछ अपने किए नहीं हुआ, होता ही नहीं, क्या बात करते। सो इस दृष्टि से पूरी दुनिया के सारे मनुष्यों ने उस अदृष्ट को अनुभव किया और उसका नाम रखा। अनुभव किया मैं बोल रहा हूं, कल्पना की ये मत बोलना, बिल्कुल नहीं, अनुभव किया। आपको मदद मिली तो वो कल्पना करते हो कि अनुभव करते हो? मदद मिली तो ठीक हो गए, फिर बोलते हो कल्पना की। कुछ थोड़े से मूर्ख मनुष्य अंदर से झुठलाते रहते हैं। वो कहते हैं कि भय के कारण मनुष्य के जीवन में ईश्वर की कल्पना हुई। ये थोड़े से मूर्खों का भी कुछ होना चाहिए, भगवान ने हर तरह की वैरायटी बना रखी है। यू नो गार्डन तभी खिलता है जब वैरायटी हो। तो ये लोग भी कुछ लोग निकल आते हैं भय के कारण। कृतज्ञता से विभोर होता है व्यक्ति जब उसको मदद मिलती है, ऐसे समय जब उसको कहीं कोई चारा नहीं दिखता, भय लगता है उसको। मीरा को भय लगता था कृष्ण से, नरसिंह मेहता को भय लगता था भगवान से, तो उनकी तो कितनी शादियां वादियां कराई भगवान ने नरसिंह मेहता की,
मुनीम बन गए भगवान उनके, कथा ऐसे सुनाते हैं लोग। अनुभव करता है पूरा मानव समाज उस सत्ता का अनुभव करता है, फिर उसका नाम रखता है, कहीं अल्लाह रखेगा, कहीं खुदा रखेगा, कहीं गॉड रखेगा, कहीं ईश्वर रखेगा, कहीं नामों से क्या लेना देना है, किसका नाम रखते हो ये, उसी अदृष्ट का जिसका जीवन में एक बार नहीं हजार बार अनुभव होता है, बार बार अनुभव होता है, उसका तुमने नाम रख दिया। अच्छा जरा देखो इन नामों के पीछे कोई ऐसा है जो कहता है कि मेरा गॉड या मेरा अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है? बोलो कोई ऐसा है धर्म जो अपने प्रभु को अल्पज्ञ मानता हो? ये एकता क्या कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें, यूएनओ में एक बार प्रस्ताव पास हुआ था, सब क्यों मानते हैं कि ईश्वर को सब मालूम है? क्योंकि तुम्हारी रग रग पहचानता है ऐसा तुम्हारा खुद का अनुभव है ये, इसलिए तुमको लगता है कि नाना उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते। किसने बताया छिपा नहीं सकते? बोले मैं खुद जानता हूं। यही तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तुम खुद जानते हो, यही बात तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? जीव ईश्वरम जानाति, यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? बोले नहीं उससे क्या झूठ बोलना, उसके तो सामने ही है सब। ये मियां जी बोलेंगे और ये साधु बाबा भी बोलेंगे, ध्यान रखना, और ये पोप भी बोलेगा। कोई नहीं कहता मेरा ईश्वर कमजोर है। आया कभी सुनने कोई धर्म वाला बोले मेरा आजकल ईश्वर थोड़ा सा कमजोर हो गया, डाइटिंग पर है? नो, सबने क्यों समझ रखा है कि वो सर्वशक्तिमान है? क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रसंग नहीं है जो वो हल नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास होता है। देखो जब वो अरेंजमेंट करता है तो पता नहीं कैसे करता है, सब चीजें एकदम सेट हो जाती हैं। हम करते हैं तो कुछ न कुछ निकल ही रहता है बाहर। ये सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ दयालु, किसी ने कहा मेरा ईश्वर क्रूर है? आज तक कोई ऐसा विश्व धर्म सम्मेलन हो कि कोई प्रस्ताव बना नहीं है, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं ईश्वर के बारे में, नाम चाहे जितना अलग हो, लक्षण सबका एक है। ये लक्षण सामान्य कैसे बना? देखो इसी अदृष्ट की अनुभूति एक आदिवासी को भी होती है, जब वो एक पत्थर पर कुछ सिंदूर चढ़ाता है, कुछ पानी गिराता है, कुछ पत्ते चढ़ाता है, आखिर वो किस किस को संबोधित कर रहा है? अदृष्ट को। वाओ, मालिक साहब तो सबको मालूम है, दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, क्षमा करता है और दंड भी देता है। वाओ, बोले महाराज ये दोनों कैसे चलेगा, क्षमा भी करना दंड भी देना? अब बोले वो जानता है कैसे क्या करना है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बट है ऐसा ही। तुम कैसे इतना जोर से बोलते हो है ऐसा ही? अरे बोले मेरा अनुभव है, अब हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट आई नो। जब भीतर पिटाई होती है तब भी मैं जानता हूं कौन किसके हाथ में डंडा है,
उस पिटाई में जब कोमलता रहती है तो वो भी मैं जानता हूं कि हाँ जी दया है ना, इसलिए छोड़ दिया उसने। नारद जी को बानर भी बनाता है और बानर केवल लड़की को दिखता है, बड़ा कमाल है। और सब लोगों ने उनको नारद मुनि जाना और सबने प्रणाम किए, बेइज्जती नहीं होने दी अपने भक्त की। किसको बानर दिखे? वो लड़की को और जो दो रुद्रगण बैठे थे, क्योंकि जरा टिप्पणी करने वाले भी तो चाहिए ना। तीन आदमी को नारद जी बानर दिखे बस, बाकी पूरी सभा में उनकी इज्जत बनी रही। उनको लगा ये जो मेरी इज्जत हो रही है वो नारद जी की वजह से नहीं हो रही है, शायद मैं विष्णु रूप हूं इसलिए लोग प्रणाम कर रहे हैं। बिगड़ी बनाने वाला मालिक सैव जीव, सैव जीव प्रकृत्या ईश्वरम जानाति। इंप्रूव क्या करना है, आगे कितना बढ़ना है? एक तो इस ज्ञान को थोड़ा सा तेजस्वी रखना है, जगाए रखना है कि मेरा कोई मददगार, मेरा कोई प्रभु है, मेरा कोई संरक्षक है। आश्रय भाव दृढ़ हो जाए, निश्चिंतता बढ़ जाती है। निश्चिंतता बढ़ती है तो चिंतन होता है। एक ही साथ चिंता भी करो और चिंतन भी करो ये होता नहीं। कोई आदमी चिंता करने वाला हो बोले मैं बहुत चिंतन करता हूं, तुम झूठ बोलते हो और कुछ नहीं करते, तुम्हारे दिमाग में चिंता घुसी पड़ी है, चिंतन क्या करोगे, है ना। प्रभु का आश्रय जब मिलता है तब चिंतन होता है, क्यों जीवन में निर्भयता है, क्या करें। अकेले तपोन जी महाराज कैलाश की ओर बढ़ जाएंगे, क्यों मालिक साहब तो है, व्यवस्था तो हो जाती है। तो ये भक्ति बढ़ानी चाहिए, जागृति बढ़ानी चाहिए, फिर इस ज्ञान में सुधार होना चाहिए। क्या कमी रह गई ज्ञान में? बोले भिन्नत्व न जानाति स्वस्मात्। जीव प्रभु को अपने से भिन्न जानता है, ये जो भिन्नता के साथ जानकारी है ये कमी है। किसमें कमी है? ज्ञान में कमी है। ऐसे उस जानकारी में थोड़ी कमी रह गई, इसको पूरा करना है। ये जो अंग अंगी संबंध है ना, ये भी अभिन्नता का ही एक प्रयास है। आप समझते हो? क्योंकि पूरी भिन्नता यहां पर नहीं मानी गई। क्या कहा गया? कह रहे भाई तुम तो प्रभु के अंग हो। अच्छा, क्या मतलब है कहने का? कि तुम प्रभु के अंग हो तो अंगी तो अपने अंग से प्यार करता ही है, नहीं करता है? आप अपनी उंगली से, हाँ जी, एक एक अंग से प्यार करते हो, वैसे मेरा प्रभु, हाँ जी, हाँ, और मैं उससे दूर नहीं हूं। ये भाव बनाने के लिए संबंध की पहचान कराई जाती है, वो भी अभिन्नता की ओर बढ़ा हुआ एक एक कदम है। अभिन्नता की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है ये अंश अंशी संबंध, अंग अंगी संबंध। बोलते हैं तो यह जो जानकारी की कमी आ गई ना,
इसको हम बोलते हैं जीव की उपाधि। क्या बोलते हैं अगला वाक्य देखो, अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते। अब देखो ये तीसरा लक्षण किया है पक्का वाला। पहला लक्षण क्या था? स्थूल शरीराभिमानी। अच्छा दूसरा ब्रह्म प्रतिबिंबम। अब बदला ये न करना कि दो पहले वाले गलत थे, ना ना ना, ये तीसरा लक्षण है। जीव तत्व को लक्षित करने का ये तीसरा लक्षण है। बोले आत्मा जीव इति उच्यते, आत्मा को ही क्या बोलते हैं? जीव कहते हैं। अब जो बहुत सजग साधक होगा ना तो उसको पीछे पूरा याद आ जाएगा, क्योंकि आचार्य बोल चुके हैं आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम ये, और यहां कहा जा रहा है आत्मा जीव इति उच्यते। अब उसकी देखो साधक जो होगा जानकार सजग वो एकदम पीछे जाएगा, अरे अरे पहले तो आत्मा को ऐसा कहा था, अब कहते हैं आत्मा जीव है। आत्मा कह शुरू तो किया था, तब बताया था स्थूल सूक्ष्म शरीरात व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन्न अवस्थात्रय सच्चिदानंद स्वरूप। ये कहा था सच्चिदानंद स्वरूप सन्न यह तिष्ठति। ओ एकदम पीछे आगे जाना चाहिए। बोले रे उसमें कहा था सच्चिदानंद स्वरूप, उस समय कहा था शरीरात व्यतिरिक्त आत्मा, यहां कहा जा रहा है स्थूल शरीराभिमानी जीव, ये है ना, मिला ना। शास्त्र का आलोडन करना चाहिए। यहां क्या कहा जा रहा है? स्थूल शरीराभिमानी जीव नाम आत्मकम, और फिर उसी जीव को कहा कौन है वो जीव? बोले आत्मा जीव इति उच्यते। तो वहां तो स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त कहा था, यहां किसको कहा जा रहा है? स्थूल शरीराभिमानी। हो 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 हो, आत्मा को जीव कहते, आत्मा को आत्मा कहिए, आत्मा को जीव क्यों बोलना? बोले मूर्खता से ये जो आत्मा है वो अपने को हाँ जीव के रूप में अनुभव करता है, ये मूर्खता ही उसकी उपाधि है। अविद्या अविद्या उपाधि ही सन्न आत्मा जीव इति। ग्रंथ देखो अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति। आत्मा तो आत्मा ही है लेकिन अविद्या की उपाधि के कारण वो जीव के रूप में अपने को अनुभव करता है। जीव के रूप में अनुभव करता है माने क्या? जो शरीर से व्यतिरिक्त है वो शरीर वाला अनुभव करता है, जो अवस्था त्रय का साक्षी है वो अवस्था वाला होकर अनुभव करता है, जो पंचकोश से अतीत है हाँ पंचकोश वाला होकर अनुभव करता है। बोले महाराज ये सब कैसे हुआ? बोले एक ही से हो जाता है सब, हाँ वो है अविद्या। अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते। अब एक बार शरीर वाला बन गया, अवस्था वाला बन गया, कोश वाला बन गया, तब उसको मदद की जरूरत है।
तो मदद की जरूरत है तो फिर मददगार उससे भिन्न हो ही जाएगा। पहले आप अपने को इस स्थिति में ले आए जहां आपको मदद की जरूरत है, वो आपकी मौलिक स्थिति है क्या? बोले अगर शरीर शरीरात व्यतिरिक्त हो तो जरूरत क्या है? बोलो अगर तीनों शरीर से भिन्न हो तो वो ऐसे तत्व को किसकी मदद की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है तो फिर जब मदद की जरूरत नहीं तो मददगार ये होता है। इसलिए पहले ये मूर्खतावश जीवत्व तो सिद्ध हो गया, इसके बाद सब सिद्ध होने लगता है। क्या है वो? बोले उसका नाम है अविद्या। वो क्या है? बोले वो उपाधि है जीव की। उपाधि माने क्या? ये पारिभाषिक शब्द है, इसको समझ लेना। उप समीपवर्तिनी वस्तुनी आधीयते स्वधर्मान की उपाधि। मैंने जो अपने समीप की वस्तु में अपने धर्मों का आभास करा दे उसको बोलते हैं उपाधि। ये वेदांत की एक महत्वपूर्ण एक शब्द है, इसको ध्यान में रखना। अन्यथा प्रकाशन रूपे, एक परिभाषा ऐसी आई, अन्यथा प्रकाशन रूपे प्रयोजकश्च उपाधि इति उच्यते। फिर से बोलता हूं, अन्यथा प्रकाशन रूपे प्रयोजकश्च उपाधि इति उच्यते। केशव मिश्र की उपाधि, ये परिभाषा है तर्क भाषा का। वो क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु, कोई वस्तु समझो इसको, कोई वस्तु जैसी है उससे अन्यथा दिखने में, एक वस्तु जैसी है वैसे से हटके कुछ अन्यथा दिखने में जो प्रयोजक है उस प्रयोजक को बोलते हैं उपाधि। ये एक मनुष्य है सरल सा, उसके ऊपर लगा दिया आपने टोपी, तो अब मनुष्य कहने की बजाय टोपी वाला। देखो तो ये टोपी वाला जो नाम पड़ा इसका प्रयोजक कौन है? टोपी। टोपी तो टोपी क्या होगी? उपाधि हो गई। ये प्रयोजकश्च अन्यथा प्रकाशन रूपे प्रयोजक, किसी वस्तु को अन्यथा दिखाने में जो प्रयोजक है उसको बोलते हैं उपाधि। अब यहां देखो, आत्मा है वो आत्मा नहीं दिखती, आत्मा को अन्यथा दिखाया। क्या अन्यथा दिखाया? जीव रूप। हाँ, आत्मा को आत्मा न दिखा करके जीव रूप में जिसने दिखाया उस प्रयोजक का नाम पड़ा उपाधि। किसकी उपाधि? आत्मा की। क्या नाम है उस उपाधि का? अविद्या। ये आत्मा को मनुष्य रूप में दिखाया किसने?
स्थूल शरीर ने, तो स्थूल शरीर क्या होगी? आत्मा की उपाधि हो गई। ये एक स्फटिक लिंग है, वो बिना रंग का है लेकिन नीला दिखता है, तो नीला दिखता है माने अन्यथा प्रकाशन हो गया। जो स्फटिक है उसका अन्यथा प्रकाशन हो गया। उस अन्यथा प्रकाशन का प्रयोजक कौन है? वो नीला फूल रखा है उसके पास। नीला तो दिख रहा है, नीलिमा तो अन्यथा रूप हो गई। वो दिखी क्यों नीलिमा? क्योंकि नीला फूल वहां पास में किसी ने चढ़ाया था, तो उस नीले फूल की नीलिमा का आभास हुआ किसमें? स्फटिक शिवलिंग में। तो जो रंगहीन स्फटिक शिवलिंग है वो अब नीला नीला दिखता है। आया पकड़ में? तो इस अन्यथा प्रकाशन का प्रयोजक कौन बना? फूल। ये बोलो, क्योंकि वो फूल हट जाए हाँ तो शिवलिंग जैसा है वैसा ही दिखेगा, अन्यथा प्रकाशन फिर नहीं होगा। तो शिवलिंग का अन्यथा प्रकाशन का प्रयोजक है पुष्प, इसलिए उस पुष्प को समीपवर्ती पुष्प को उप आदि है ना, समीपवर्ती पुष्प। ये न कहना कि नीला फूल जो गार्डन में लगा है वो भगवान की ये न कर देना। समीपवर्ती जो पुष्प है जो प्रयोजक बन रहा है शिवलिंग को कुछ और दिखाने में, उसको बोलते हैं उपाधि। कुर्सी पर बैठते ही जो घर में जिनसे हम मिले थे, मित्र थे वो, अब वो क्या कहना लगे? ऑफिसर। वाह, उपाधि बदली। पहले मनुष्य थे, अब अन्यथा प्रकाशन हो गया, तो कहा जाता है ये इनकी उपाधि है। क्यों उपाधि कहा जाता है उसको, कुर्सी को? अन्यथा प्रकाशन है, उसी से नहीं उसी से नहीं। अभी ध्यान दो, अभी अन्यथा प्रकाशन का प्रयोजक है, तो ये सब ध्यान रखना। अन्यथा प्रकाशन रूपे प्रयोजक उपाधि इति उच्यते। ये बढ़िया परिभाषा है, पक्की है। अब यहां अविद्या की उपाधि से आत्मा का अन्यथा प्रकाशन हो गया। क्या अन्यथा प्रकाशन हुआ? जीव भाव की स्थिति बन गई। वाह, है आत्मा प्रकाशित हो रहा है जीव रूप में, प्रयोजक कौन है? अविद्या। बस पक्का हो गया, है आत्मा प्रकाशित हो रहा है जीव रूप में, प्रयोजक कौन है? अविद्या। बस इसलिए अविद्या को उपाधि संज्ञा दी गई, आत्मा की उपाधि है। फिर बोलते हैं मायोपाधि सन ईश्वर इति उच्यते। अब देखो, उसी आत्मा का एक और नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? ईश्वर। आत्मा शब्द की अनुवृत्ति है, ऊपर से आ रहा है। उसी आत्मा का नाम पड़ा ईश्वर। बोले महाराज, आत्मा को आत्मा क्यों नहीं कहते, ईश्वर क्यों बोलते हैं? ये तो अन्यथा प्रकाशन हो गया,
पक्का है, अन्यथा प्रकाशन हो गया। जो चीज जैसी है वैसी न हो के कुछ और भासने लगे तो क्या होगा, वो अन्यथा प्रकाशन होगा। तो ये तो अन्यथा प्रकाशन हो गया, इस अन्यथा प्रकाशन का प्रयोजक कौन है? बोले माया। ना बेटा, ध्यान ध्यान ध्यान, सतावधान। मायोपाधि सन, देखो आत्मा में ईश्वरत्व का दर्शन कराने का जो प्रयोजक है वो कौन है? माया। और आत्मा में जो जीवत्व का दर्शन कराने का प्रयोजक है वो अविद्या। ये उपाधि दो है। मायोपाधि सन ईश्वर इति उच्यते, माया शब्द का अर्थ तो आप जानते हो, इस ग्रंथ में छोटा सा आया है। क्या है वो? ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं ग्रंथ याद हो जाए तब आपको कनेक्शन होगा आगे पीछे। तब ग्रंथ जिस तरह से खुलता है वैसे कभी नहीं खुलेगा, आपको याद होना चाहिए। तो जब यहां कहा मायोपाधि सन, तो माया शब्द तो यहां एक्सप्लेन हो चुका है। क्या है वो? त्रिगुणात्मक है। हाँ, और किस पर आश्रित है? ब्रह्माश्रित है। अब देखो मजा, ब्रह्म पर आश्रित होकर के ब्रह्म की उपाधि बन गया। ये फजीहत है। ब्रह्म का आश्रय, ब्रह्म को आश्रित आश्रय बना करके, ब्रह्माश्रिता हो करके अपने ही आश्रय ब्रह्म की वो क्या बन गई? उपाधि बन गई, प्रयोजक बन गई। किस बात में प्रयोजक बनी? उस आत्मा को ईश्वर दिखाने का प्रयोजक बन गई। अब वो सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं लगता, अब क्या लिखता है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, दयालु, कर्ता, धर्ता, संघर्ता, सर्वव्यापकत्व, सर्वसंहारकत्व। देखो सर्वसृष्टित्व, सर्वभोक्तृत्व। आरती हम करते हैं फिर। जो सच्चिदानंद प्रभु हैं उनमें ईश्वरत्व दर्शन कराने का जो प्रयोजक है उसका नाम है माया। वो किसकी उपाधि हुई? वो ब्रह्म की उपाधि हुई ईश्वरत्व दिखाने के लिए। तो ऐसा भी बोलते हैं जीव की उपाधि, ये बहुत सही वाक्य नहीं है, फिर भी बोलते हैं जीव की उपाधि है अविद्या, ईश्वर की उपाधि है माया। ईश्वर की उपाधि नहीं है, इस उपाधि के कारण हाँ उपाधि तो ब्रह्म की है। ये पकड़ में आया? जीव की उपाधि अविद्या थोड़ो है, बल्कि अविद्या की उपाधि के कारण हाँ आत्मा जीव भासता है। इसलिए आप लोग दोनों को समझना, साधारण बातचीत में यही बोलते हैं ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या। तो दो उपाधियां हो गई। एक उपाधि के जरिए ध्यान देना जरा, एक उपाधि के जरिए जब सच्चिदानंद को देखते हैं तो जीव भासता है, और दूसरी उपाधि के जरिए उसी सच्चिदानंद को देखते हैं तो वो ईश्वर भासता है। बोले महाराज ये बरगला रखा है उपाधियों ने। बोले यस, यही कहना चाहते हैं। एक तत्व को
दो रूपों में दिखाने वाली दो उपाधियां हैं। अच्छा आगे ये निगमन वाक्य है भाई, इसको ठीक ठीक पकड़ते रहना। एवं उपाधि भेदात, तत्व भेदात नहीं, क्या लिखा? एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि। ये जीव ईश्वर की जो भेद दृष्टि आई वो किसके भेद से आई? उपाधि भेद से, न कि तत्व भेद से। उपाधि जिसके साथ लगी रहती है उसको बोलते हैं उपहित। ये भी शब्द पकड़ लो साथ साथ में। क्या बोला मैंने? उपहित। जैसे अविद्या उपाधि है और आत्मा उपहित, ये जैसे माया उपाधि है और आत्मा उपहित है, ये तो अब ऐसा वाक्य बनाएंगे। उपहित के भेद से ये भेद दृष्टि नहीं है। किसके भेद से है? उपाधि के भेद से भेद दृष्टि है। उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टि। अब अगला वाक्य है, यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम, जब तक ये भेद दृष्टि बनी रहेगी। भेद दृष्टि बनी रहेगी माने प्रयोजक विद्यमान है। क्या प्रयोजक है? अविद्या। माने जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक आप शरीर वाले बने रहोगे, तब तक आप अवस्था त्रय वाले बने रहोगे, तब तक आप पंचकोश वाले बने रहोगे। ये है अभिप्राय। और जब ये वाले बने हुए हो तो पुनरपि जननम। बोले जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम, जन्मन जन्म मरणादि रूपम संसारो न निवर्तते। संसार क्या है? बोले फूल पत्ती वाला संसार। बोले चुप रहो, उसका नाम है जगत। ध्यान देना जरा वेदांत में, जगत अलग चीज है, संसार अलग चीज है। संसार माने होता है संसरण। क्या लिखते हैं? देखो, जन्म मरणादि रूप ग्रंथ, देखो ग्रंथ, जन्म मरणादि रूप संसार। संसार का रूप क्या है? हाँ, नदी पहाड़ ना बोल देना। नदी पहाड़ को वेदांत में जगत बोलते हैं। और मेरा जो बार बार जन्म मरण होता है उसको हम बोलते हैं संसार। जगत की निवृत्ति न करो, किसकी करो? हाँ, और छुट्टी करो, जाओ भागो यहाँ से। माने अपनी मुक्ति करो भाई। लगे हुए अरे मालिक से जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते, जब तक अविद्या की उपाधि है, शरीराभिमान है, तब तक फिर इसलिए ये भेद स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस भेद से प्रेम न लगा बैठो। लग जाता है। बोले महाराज इससे भी लग जाता है प्रेम? अरे खूब लगता है, हमें ही लग जाता है, मजा आने लगता है। बोले मालिक हमारा दयालु। हाँ तो प्रेम तो हो ही जाता है। फिर इस भेद में बहुत मजा है। अनीश्वरवाद में पिटाई बहुत होती है, लेकिन भेद पूर्वक जो भक्ति है
जब आश्रय का बोध होता है, जब उसकी कृपा का बोध होता है, हाँ, उसकी नजर है हमारे ऊपर, ऐसा महसूस होता है तो मजा आता है। मजा आता है तो वहीं खड़े होने का मन होता है, यहीं रहो यार, कहाँ आगे जाते हो। भगवान भाष्यकर क्या बोलते हैं, अरे फंस जाओगे, न स्वीकारिया, चलो आगे। इस भेद भाव में ज्यादा देर तक न ठहरो। बोले अच्छा लग रहा है, लग रहा है तो भी, हाँ तो भी चलो, ऐसे ही चलो जैसे 6 बजे की आरती पकड़नी हो। और आनंदमय कोश बहुत अच्छा लगता है, आखिर वो आनंदमय कोश है, कोई दुखमय कोश तो कहीं लिखा नहीं। तो ब्रह्मचारी लोग, हमारे बंधु लोग, भाई फिर आनंदमय कोश में आनंद है। बोले अत्रैव तिष्ठामि, अरे अत्र मा तिष्ठ, न स्वीकार्या। अच्छा लगने पर भी बाद में अगर वो बंधन का ही हेतु है, संसरण का प्रयोजक बन रहा है, इसलिए भाई हटो यहां से चलो। बोले महाराज कैसे चलें, अब कल चर्चा करेंगे, आज 11 बजे कक्षा नहीं होगी, संध्या के लिए आप लोग वहीं पहुंचिएगा। कहाँ? छत के ऊपर। तो आज एक दिन और देख लेते हैं, लेकिन आज आप लोग पकड़ लेना सावधानी से सब। रोज रोज व्याकरण की बलि नहीं दे सकते हम, है ना? ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जीव प्रकृत्यास्तस्माद् ईश्वरम् भिन्नत्वेन जान। Thank you.